अगले हफ्ते काम के लिए इस्लामाबाद जाना है। सोचा था कि लाइबा को भी साथ ही ले जाऊं। हम लोग हनीमून पे भी नहीं गए तो इसी बहाने घूम फिर लेंगे। चलो ठीक है, मेरा क्या है, मैं शाइस्ता के यहाँ चली जाऊंगी। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको यहाँ अकेले छोड़ के जाऊंगा? आप भी चलिएगा ना हमारे साथ। जब पहले कभी नहीं गए तो अब जाने की क्या जरूरत है सलमान? क्या हो गया? एक तो तुम्हें साथ ले जाने की बात कर रहा है, उस पे तुम्हारा नखरा ही खत्म नहीं हो रहा। नाश्ता, आपकी घी वाली रोटी और आपकी सूखी रोटी। अरे वाह, आज रोटियां बाहर से मंगवाई हैं। बड़ी खूबसूरत रोटी बनाई भाई आज तो। जबरदस्त, मैंने आपसे कहा था ना अम्मी, लाइबा बहुत समझदार है, सीख जाएगी वक्त के साथ साथ। हाँ भाई, आज तो दिल खुश कर दिया। आ ही जाता है ना आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। और शायद आज मैं भी सीख गई हूँ, ये आपके लिए। ठीक है, खुला के कागजात। क्या? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्यों, क्या हुआ? इसी परफेक्ट गोल रोटी के चक्कर में ही तो मैंने अपनी इज्जत नफ्स मजरूह की इतनी देर तक। आज आप दोनों से ट्रॉफी मेडल मिल गया, मेरा काम तो पूरा हो गया। परफेक्ट गोल रोटी की तरह आज मेरी जिंदगी का दायरा भी पूरा हो गया, इसलिए मुझे यहाँ पे और जुम्म सहने की जरूरत नहीं है। देखो तो जरा कैसे जिक्र कर रही है ये हमें, अरे हमने कब कौन सी पाबंदी लगाई है इस पर? अपनी मर्जी से सोती है, जागती है, उठती बैठती है, खाती पीती है, ना कोई आने जाने पे पाबंदी, ना कहीं काम करने पे पाबंदी। फिर भी ऐसी ना शुक्री? कोई पाबंदी नहीं लगाई आपने, आपके लफ्ज ही काफी थे मुझे जख्मी करने के लिए। और फिर आपका बेटा, उसने मारपीट की कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं यहां से जिंदा बच के जा रही हूं। और मुझ जैसी कितनी लड़कियां, कभी नमक तेज हो गया, कभी नमक कम हो गया, बातों में मार दी जाती। मैं बच के जा रही हूं, आप दोनों का थैंक यू। आप दोनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, पर अब और यहां पे रुकने की जरूरत नहीं है। सुनो मेरी बात, सुनो, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बदतमीजी तुमने मेरी मां के साथ की है उसकी माफी मांग के जाओ। ये बदतमीजी तो मुझे बहुत पहले इनसे कर लेनी चाहिए थी, ताकि आपकी माँ को एहसास होता कि मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं। हर वक्त ताने नहीं सुन सकती थी मैं भी। तुम्हें यही तमीज सिखाई है तुम्हारी माँ ने? काश कि आपने भी अपने बेटे को इस तरह की तरबियत दी होती कि अपनी बीवी के साथ इस तरह से पेश नहीं आते। ये जुर्रत मत कर, वरना हाथ मेरा भी उठ जाएगा। अरे जुर्रत के तुम मेरे बेटे पे हाथ उठाओगी? पहले आपके बेटे ने किया, काश के आपने इसकी ये तरबियत की होती कि औरत पे हाथ उठाने वाले मर्द को नामर्द कहा जाता है, तो ये कभी ऐसी जुर्रत नहीं करता। और माफी, माफी मुझे तुमसे या तुम्हारी माँ से नहीं, खुद से मांगने की जरूरत है। तुम जैसे गिरे हुए मर्द, दूसरों की उंगलियों पे नाचने वाले, तुम लोगों को शादी रास नहीं आती, इसलिए शादी मत करना, क्योंकि दूसरी बीवी के साथ भी तुम यही मारपीट करोगे।
फिर अगर गलती से कभी जेल की हवा खानी पड़ गई ना, तब समझ में आएगा कि घर की रोटी गोल हो या नहीं, वो घर की रोटी होती है जो एक औरत बहुत मोहब्बत और बहुत एहसास से बनाती है। इसलिए उस रोटी और उस औरत दोनों की इज्जत करना सीखो।